What's up my YouTube family? तो आज है हमारा पार्ट 3 पेंटिंग कोर्स का, जिसमें मैं आपको क्या कहते हैं कुछ अच्छे से डिजाइन बनाना सिखाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लगा लिए, एक डायमंड शेप या एक स्क्वायर रेम्बोस टाइप का। तो मैं इसको सबसे पहले थोड़ा सा मिला दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, बट मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं स्क्वायर बना लिया। तो अब इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड से डिफरेंट लगने के लिए मैं इसमें कुछ कलर्स करूँगा, जिससे ये जो स्क्वायर है ये प्रोमिनेंट दिखेगा। अब उसके लिए हम लाइट एंड डार्क कलर ले सकते हैं बैकग्राउंड के लिहाज से। तो चलें कुछ करते हैं इसमें। अच्छा, अब अंदर की स्पेस में चाह रहा हूं कि थोड़ी सी लाइट हो, तो मैंने लाइट ब्लू ले लिया है। अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर के सरफेस में हल्का सा ये लाइट कलर कर दूंगा। पानी पानी है ये ज्यादा, तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको अच्छा बनाने के लिए हम एक स्पंज ले लेंगे और एक स्प्रे बॉटल ले लेंगे। इसमें क्या करेंगे, यहाँ से जब पानी मारेंगे तो ये थोड़ा सा बाहर निकले इस तरीके से। समझना, इस तरीके से पैटर्न इसका यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, अब यही हम क्या कहते हैं इस साइड पे भी करते हैं। ठीक है, कि आपने पूरे उस पर नहीं करना है, सिर्फ शेप देने के लिए कि यहां से कलर अंदर की तरफ आए, आपने सिर्फ ये करना। ठीक है, समझ गए आपकी बात, वैसे ही करना है आपने। यहाँ पे भी उसको हल्का हल्का सा पानी लेके ऊपर करना है और फिर ऊपर ले जाना है। टेक्निक थी, अब ये थोड़ा सा जब सूख जाएगा तो हम जब इसकी आउटर लेयर बनाएंगे तब हम इसको डार्क ब्लू की मदद से इसको परफेक्ट स्क्वायर का शेप दे देंगे। ये अभी आपको क्या कहते हैं थोड़ा सा अनइवन लग रहा होगा, बट जब आउटर लेयर हम देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं सूखने के बाद मैंने इस पर मास्किंग टेप इनर सरफेस पे लगा दिया, ताकि जब हम डार्क आउटर लेयर करें तो वो इनर से मिक्स ना हो। ठीक है, तो अब हम ये करेंगे। अच्छा, मास्किंग लगाते हुए जो क्या कहते हैं थोड़ा सा बाहर आ रहा होगा वो आप उसको कटर की मदद से सुबह से काट लेंगे, ताकि ये आराम से फिल आउट हो, क्योंकि हमें
प्रॉपर स्क्वायर शेप है। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर स्क्वायर शेप हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसमें डार्क ब्लू कलर से जैसे येलो में किया था वैसे यहां पे भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हमने किया, इस तरीके से हमने किया और जैसे पहले किया था। आपको ये टेक्निक मेरी अच्छी लगी होगी, बाकी जब मैं इसको निकालूंगा तो फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सूख चुका है। अब हम इसका मास्किंग टेप यहाँ से निकाल लेंगे और फिर जहां जहां से वाटर अंदर गया होगा वहां से हम दोबारा लाइट ब्लू से शेडिंग कर लेंगे। ये हमारा एक सरफेस बन जाएगा अच्छा सा। अब मैं कुछ जगह से देख रहा हूँ कि पानी अंदर की तरफ गया है तो मैं उसको थोड़ा सा सेट कर लूँगा। अच्छा, जैसा कि आप क्लोजअप शॉट इसका देख सकते हैं कि मैंने क्या बनाया, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ हमने बनाई है। तो ये अंदर से थोड़ा सा लाइट ब्लू आ रहा है और बाहर से ये डार्क ब्लू का शेड दे रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा इसको बनाना। अब हम इसके अंदर कुछ लिखेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसके अंदर अल हय्युल कय्यूम लिख दिया, आयतुल कुर्सी लिख रहा हूँ पूरे पेंटिंग पे। तो एक अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए मैंने इसको बड़े से फ्रेम में अल हय्युल कय्यूम लिख दिया। अब इनर सरफेस है लाइट, तो मैं इसके ऊपर इस्तेमाल करूँगा डार्क सरफेस। डार्क सरफेस के लिए आपने कलर यहाँ पर मेरा देख लिया होगा, मैं ब्लू इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको बाद में स्ट्रोक देने के लिए ब्लैक भी इस्तेमाल करूँगा। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं।